और मंत्रियों की क्लास खत्म होने के बाद सीएम ने कहा कि ये टीम कार्य और पहल हमें बताती है कि कैसे हम राज्य के विकास के लिए एक टीम की तरह पर कार्य करते हैं और परिणाम देते हैं, लक्ष्य हासिल करते हैं। मेरा मानना है कि इससे राज्य के सुशासन व विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने के साथ साथ उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स में यानी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस दिशा में एक बेहतर पहल को एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को आज यहां पर अंतिम रूप देने का कार्य किया गया है। बहुत सार्थक चर्चा रही है और पहली बार ये हुआ कि वास्तव में बड़ी से बड़ी चैलेंज को आपसी संवाद और जो हमारे पास अनुभव है, जो हमारे पास ब्रेन है और जो विजन है, इन सब के बेहतर समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। आगामी 2.5 वर्ष के दौरान का हमारा रोडमैप क्या होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के ये मंथन के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शासन प्रशासन और IIM लखनऊ को शामिल किया है। ये प्रक्रिया बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। प्रायोरिटी सेक्टर का चयन हुआ है, उन पर विस्तृत चर्चा होने के साथ साथ एक कार्य योजना बना करके उसको आप इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे क्या कार्यक्रम बनने हैं। मंथन के तृतीय चरण में 22 सितंबर को फिर से हम लोग IIM लखनऊ में मिलेंगे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।